आज पूरी दुनिया में प्यार के इजहार करने वाला दिन वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है। हवा में चारों तरफ प्यार, रोमांस और ढेर सारी खुशी फैली हुई है। आखिर प्यार करने वालों के लिए सबसे खास दिन वैलेंटाइंस डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है। यूं तो रोज ही प्यार किया जा सकता है, लेकिन वैलेंटाइन डे के बाद ही कुछ और होती है, और ये मौका तब और भी ज्यादा खास हो जाता है जब आपकी शादी के बाद आपका पहला वैलेंटाइन मनाने की बात आए। ऐसे में हमारे टीवी इंडस्ट्री के न्यूलीवेड्स के लिए ये वैलेंटाइन खास रहेगा। तो आइए जानते हैं सल टीवी की किन नई नवेली जोड़ियों के लिए शादी के बाद का ये पहला वैलेंटाइंस डे होगा। करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है न्यूलीवेड्स करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा का। करिश्मा ने बिजनेसमैन वरुण से 5 फरवरी को ही शादी की है। दोनों ने गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग की और अब ऐसे में शादी के बाद इनका ये पहला वैलेंटाइन होने वाला है। मौनी रॉय और सूरज नाम्ब्यार। अब बात करेंगे टेलीविजन की नागिन मौनी रॉय और उनके पति सूरज नाम्ब्यार की। मौनी ने भी बीते महीने 27 जनवरी को अपने बॉयफ्रेंड सूरज से गोवा में शादी की। दोनों ने दो तरीके के रीति रिवाजों से साथ फेरे लिए। इस समय ये कपल कश्मीर की बर्फीली वादियों में अपना हनीमून पीरियड एंजॉय कर रहा है। वहीं शादी के बाद इन दोनों का पहला वैलेंटाइन मौनी ने शिव की पूजा कर सेलिब्रेट करना शुरू किया है। अंकिता लोखंडे और विक्की जैन। अगला नाम है एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन का। अंकिता ने बीते साल 14 दिसंबर को अपने बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन विक्की जैन संग मुंबई के 5-स्टार होटल ग्रैंड हयात में शादी की। शादी के बाद ये कपल हर पल एंजॉय कर रहा है। ऐसे में अब इनका शादी के बाद का पहला वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन स्पेशल जरूर होगा। सायंतनी घोष और अनुग्रह तिवारी। नागिन फेम एक्ट्रेस सायंतनी घोष और उनके पति अनुग्रह तिवारी भी इस साल अपना पहला वैलेंटाइन डे साथ में मनाएंगे। दोनों ने बीते साल 5 दिसंबर को कोलकाता में शादी की। वैसे तो सायंतनी अनुग्रह के साथ पिछले 8 साल से रिलेशनशिप में थी, तो साथ में वैलेंटाइन डे भी जरूर मनाए होंगे, लेकिन पति पत्नी बनने के बाद ये उनका पहला वैलेंटाइन डे होगा। ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट। सीरियल गुम है किसी के प्यार में देवर भाभी का रोल प्ले करने वाले ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट भी शादी के बाद अपना पहला वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रहे हैं। बता दें कि ऐश्वर्या और नील ने बीते साल 30 नवंबर को मध्य प्रदेश के उज्जैन में धूमधाम से शादी की थी। श्रद्धा आर्य और राहुल। टेलीविजन सीरियल कुंडली भाग्य की प्रीता यानी कि एक्ट्रेस श्रद्धा आर्य ने बीते साल 16 नवंबर को बॉयफ्रेंड और नेवी ऑफिसर राहुल से दिल्ली के अंदाज में होटल में शादी रचाई थी। शादी के बाद दोनों ने मालदीव में हनीमून भी मनाया और अब दोनों अपना पहला वैलेंटाइन डे भी मनाएंगे। देखना होगा कि इनका ये सेलिब्रेशन किस अंदाज में होगा। शिरीन मिर्जा। ये है मोहब्बतें फेमस एक्ट्रेस शिरीन मिर्जा भी शोहर हसन सरताज के साथ अपना पहला वैलेंटाइन मनाएंगी। शिरीन ने बीते साल 23 अक्टूबर को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड हसन के साथ निकाह किया था। दिशा परमार। टेलीविजन एक्ट्रेस दिशा परमार और राहुल वैद्य तो इंडस्ट्री के लव बर्ड्स हैं। दोनों ने बीते साल 16 जुलाई को मुंबई के ग्रैंड हयात में शादी रचाई। शादी के बाद से ये दोनों हर त्योहार साथ में मनाते हैं, तो वैलेंटाइन डे भी खास तरह से तो जरूर मनाएंगे। और लास्ट में शाइनी दोषी। इस साल टीवी एक्ट्रेस शाइनी दोषी भी शादी के बाद अपना पहला वैलेंटाइन मना रही हैं। बीते साल उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड लवेश खैरजानी संग 15 जुलाई को शादी रचाई। खास बात तो ये थी कि इनकी शादी की सभी रस्में घर पर ही पूरी हुई थीं।